स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि आजकल स्नेक प्लांट बहुत ही ट्रेंडिंग में आ गया है और इसलिए ये आपको हर घर में इजीली मिल जाता है। स्नेक प्लांट को ज़्यादातर लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन रिच प्लांट होने के साथ लो मेंटेनेंस भी होता है। स्नेक प्लांट को हम इंडोर और आउटडोर दोनों ही जगह रख सकते हैं, ये दोनों ही जगह बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। मोस्टली हम इसे इंडोर रखते हैं क्योंकि इंडोर रखने का मेन रीज़न होता है कि ये बेस्ट एयर प्यूरिफाइंग प्लांट होता है और ये रात को भी ऑक्सीजन देता है। सो आज मैं आपको स्नेक प्लांट की कंप्लीट केयर कैसे करनी है इसके बारे में बताने जा रही हूँ। सो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल प्लांट्स केयरिंग। स्नेक प्लांट को सेंसेवेरिया भी कहते हैं। स्नेक प्लांट की बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, मेरे पास कुछ इतनी वैरायटी हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी सॉइल के बारे में। यह एक सकुलेंट होता है, इसलिए इसकी सॉइल हमें पोरस रखनी है। इसको वेल ड्रेन सॉइल पसंद होती है, इसलिए इसकी सॉइल मिक्सचर बनाने के लिए हम 1/3 गार्डन सॉइल, 1/3 कंपोस्ट और 1/3 रिवर सैंड का यूज़ करेंगे। स्नेक प्लांट को सॉगी सॉइल पसंद नहीं होती है, इसलिए वेल ड्रेन ही होना चाहिए सॉइल, जिससे वाटर एक्सेस होकर ड्रेन हो जाए। स्नेक प्लांट समर्स में तेज़ी से बढ़ता है क्योंकि गर्मियों में इसका ग्रोइंग पीरियड होता है और विंटर में ये डोरमेंसी में चला जाता है, तब इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है। इनको आप लो लाइट में रखें तो भी ये ग्रो करेगा। आप इन्हें इंडोर में अपने बेडरूम में, बाथरूम में या जहाँ भी आपके घर में लो लाइट है वहाँ भी ये ग्रो करेगा। और अगर आप इन्हें आउटडोर में रख रहे हैं तो इन्हें बहुत तेज़ धूप में ना रखें, क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट से इसकी पत्तियाँ बर्न हो जाती हैं, इस बात का आप खास ख्याल रखें। इसलिए आउटडोर में इन्हें आप शेडेड एरिया में ही रखें। अब बात करते हैं पानी की। स्नेक प्लांट को ज़रूरत से ज़्यादा पानी की बिल्कुल नीड नहीं होती है। मोस्टली स्नेक प्लांट ओवर वाटरिंग के वजह से ही मरता है। इसकी सॉइल सोगी होने पर इनकी रूट्स अल्टीमेटली गल जाती हैं और आपका प्लांट खराब हो जाता है। इसलिए पानी का आपको बहुत ध्यान रखना है। अगर आप इसे इंडोर में रखते हैं तो इसे हफ्ते में एक बार ही पानी दें, और पानी हमेशा सॉइल चेक करने के बाद ही दें। जब मिट्टी अच्छी तरह से सूख जाए, 1 से 2 इंच तक इसकी मिट्टी जब सूख जाए तभी आप इसमें पानी डालें। अगर स्नेक प्लांट को आप 1 महीने भी पानी नहीं देंगे तब भी ये सर्वाइव कर लेगा, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी और स्ट्रॉन्ग प्लांट होता है और इसकी पत्तियों में मॉइस्चर होता है, जिससे ये ईजली सर्वाइव कर लेता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो इसके लिए ध्यान रखने वाली है, बार बार स्नेक प्लांट को रिपॉटिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये जैसा है आप वैसा ही रहने दीजिए। बार बार रिपॉटिंग से इसको ट्रांसप्लांट शॉक लगता है और आपका प्लांट खराब हो सकता है। जब ये पूरी तरह से रूट बाउंड हो जाए तभी आप इसे रिपॉट करें। अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन या इंसेक्ट अटैक के बारे में। तो स्नेक प्लांट पर बहुत ही ईजली इंसेक्ट का अटैक नहीं होता है, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। बहुत कम ऐसा होता है कि इंसेक्ट इन पर अटैक करें, इसलिए बहुत ही आसान होता है स्नेक प्लांट को मेंटेन करना। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के। प्रोपोगेशन इसका बहुत ही आसान होता है। स्नेक प्लांट को रूट बाउंड होना बहुत पसंद होता है और ये हमेशा बेबी प्लांट प्रोड्यूस करते रहते हैं, या उनको पप्स भी कहते हैं। ये हमेशा पप्स प्रोड्यूस करते रहते हैं रूट डिवीजन के मेथड्स। इनकी प्रोपोगेशन के लिए आप रूट्स से इनको डिवाइड करके न्यू पॉट में लगा दें तो आपका नया प्लांट तैयार हो जाएगा, और कुछ टाइम वो बाद वो बेबी प्लांट प्रोड्यूस करेगा तो आपका प्लांट घना होता जाएगा और आप इस तरह से 1 से बहुत सारे प्लांट्स तैयार कर लेंगे। इसलिए ही स्नेक प्लांट का प्रोपोगेशन इतना ईजी माना जाता है। स्नेक प्लांट को मेंटेन रखना बहुत ही आसान होता है। अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखेंगे तो ये सालों साल आपके पास हेल्दी और फ्रेश कंडीशन में ही रहेगा। बस आपको इसकी सॉइल वेल ड्रेन रखना है। सॉगी सॉइल इन्हें पसंद नहीं होती है।
पानी आपको इन्हें कम ही देना, इन्हें ज़्यादा पानी की नीड नहीं होती है, और इन्हें धूप से बचाना है क्योंकि धूप में इनकी पत्तियाँ जल जाती हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रहेंगी तो आपका स्नेक प्लांट हमेशा हैप्पी रहेगा आपके साथ। सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन स्नेक प्लांट के बारे में जो आज मैंने आपके साथ शेयर की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।